एम मायसेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट. तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो पैरालिसिस पेशेंट्स को ध्यान में रखनी है, या फिर जो भी पेशेंट्स के केयर टेकर हैं, अटेंडेंट्स हैं, उन्हें इन पॉइंट्स को हमेशा अपने माइंड में रखना है, जिससे कि पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्हें और कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम एडअप ना हो जाए. तो आपको आज मैं वही कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिनका आपको ध्यान रखना है, और चीज़ों को और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से कामली फॉलोअप करना है. नाउ स्टार्टिंग विद द पॉइंट, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये है कि एक्चुअली में पैरालिसिस होता क्या है. कितने लोगों को ये डाउट होता है कि उन्हें एक्चुअली समझ ही नहीं आता कि पैरालिसिस आखिर बीमारी है क्या. तो पैरालिसिस बेसिकली एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है. इसमें हमारे हाथ और पैर की जो प्रॉब्लम आती है, जो दिक्कत हमारे चलने, उठने, बैठने, बोलने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एडिशनल चेंजेस आते हैं, वो सेकेंडरी चेंजेस है. लेकिन इनिशियली जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, दैट इज़ फ्रॉम ब्रेन. तो हमारा ब्रेन सबसे पहले अफेक्ट होता है, उसके बाद सेकेंडरी चेंजेस में हमारे लिम्स, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारा स्पीकिंग स्किल, ईटिंग एंड हमारे कॉस्मेटिकली चेंजेस आते हैं, जैसे हम कहते हैं फेशियल पैरालिसिस. नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट, सबसे पहले जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमेशा धीरे धीरे असर करना स्टार्ट करता है. जो भी आपका रिहैबिलिटेशन है, वेदर मेडिसिंस हैं या आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, योगा करते हैं कई पेशेंट्स, डाइट हैं, ये सब अपना असर धीरे धीरे दिखाते हैं. तो जल्दबाजी ना करें. हमारे यहाँ स्ट्रेस में पेशेंट्स विजिट करते हैं तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि मैम क्या ये ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक होता भी है तो कितना टाइम लग जाता है ठीक होने में. तो ये एक नॉर्मल, हम नेचुरली हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये कुछ 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 6 महीने में ठीक हो जाएगा, या फिर साल भर में ठीक होगा. हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता है. लेकिन हाँ, आपके हाथ में है कि आप टाइम से एक्सरसाइजेस कर रहे हो, टाइम से मेडिसिंस ले रहे हो, एंड इम्पॉर्टेंट टाइम से डाइट ले रहे हो, क्योंकि प्रॉपर डाइट ही आपको एनर्जी देगी जिसकी वजह से आप एक्सरसाइजेस कर पाओगे एंड अल्टीमेटली मेडिसिंस भी अपना इफेक्ट दिखा पाएंगी. तो डॉक्टर्स के साथ साथ आपको भी अपना 100% देना है, एंड आपको एक्सरसाइजेस टाइम से परफॉर्म करनी है, टाइम से मेडिकेशंस भी लेनी है. अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों की जानकारी दूंगी जो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, या फिर जब भी आप लेटे हो, बैठ रहे हो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो कैसे करना है और कैसे चलना है, इंपॉर्टेंट पार्ट. अब जो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप लेटे हो तो लेट के सपोज आपको उठना है, अब वॉक करनी है या फिर बैठने का मन हो रहा है तो आपको बैठना है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जोर अपने अफेक्टेड साइड से ज़्यादा नहीं लगाओगे, मतलब जो पैरालिसिस वाली साइड है उससे ज़्यादा जोर नहीं लगाओगे. या फिर अगर आपके कोई अटेंडेंट है या केयर गिवर है, वो ध्यान ये रखेंगे कि कभी भी अफेक्टेड साइड वाला शोल्डर पुल नहीं करेंगे. जनरली ऐसा होता है कि जब भी हम पेशेंट को लिफ्ट करते हैं तो कंधे से सपोर्ट देते हैं, तो कंधे से सपोर्ट कम देना है, इतना ज़्यादा नहीं देना होता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी वहाँ की मांसपेशियाँ हैं, वो वीक हो चुकी होती हैं. तो वीक होने की वजह से हमारा जॉइंट डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं. तो हमें बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें जर्क नहीं देना है कि हाँ बहुत हम फोर्स लगा रहे हैं तभी हम पेशेंट को लिफ्ट कर पाएंगे. नहीं, आपको अच्छे से बैक ग्रैब करके, बैक सपोर्ट देके अच्छे से आपको पेशेंट को लिफ्ट अप करना है. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी पेशेंट को डायरेक्टली उठा के आपको चलाना नहीं है, या फिर पेशेंट्स को भी खुद से एकदम से उठ के चलना नहीं है. मैं उन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जिनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी होती है और जो जल्दी से चलना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, या फिर वो खुद का मैनुअल सपोर्ट लेते हैं, जैसे स्टिक्स ले ली या फिर कुछ यूज़ कर लिया, लेकिन किसी और का मैनुअल सपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं. उन पेशेंट्स को जनरली ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप बेड से उठते हो तो आपको उठते एकदम से नहीं चलना होता, क्योंकि आपकी मसल्स टाइम लेती हैं, आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट करने के लिए टाइम लेता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको वहाँ वेट करना होता है, उसके बाद ही आप लिफ्ट होगे एंड यू नीड टू वॉक. कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आपका बॉडी सपोर्ट आपका साथ नहीं देता है, आपका मेंटल सपोर्ट आपके साथ नहीं होता है, तो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं. इस वजह से आपको रेस्ट लेना है ज़्यादा एंड काम करने हैं कम, जिसका मतलब ये है कि अगर आप बेड से उठ के बैठ रहे हो तो पहले आपको बैठना है कुछ सेकेंड वहाँ पे, उसके बाद आप वॉक करना स्टार्ट करोगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब भी पेशेंट्स लेटे होते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि घर वालों का कंसर्न ये होता है कि हम पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना दें. अगर वो लेटे हैं तो सिर्फ उन्हें लेटा ही रहने दें, करवट चेंज ना हो या हम उन्हें उठाएं नहीं या फिर एक्सरसाइजेस ना कराएं. तो फैमिली अपार्ट, इमोशंस अपार्ट, आप हमें पेशेंट की रिकवरी चाहिए.
तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजिशनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट हमेशा सेम पोजिशन में रहेंगे तो उनके बैक में बेड सोर्स होने के चांसेस होते हैं, प्रेशर सोर्स होने के चांसेस होते हैं, दैट इज़ जख्म होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप हमेशा बेड पे सीधे ही लेटे रहते हो, तो एक ही पोजिशन में लेटे रहने की वजह से आपका एक ही हिस्सा बेड पे बार बार रगड़ा खाता रहता है, जिसकी वजह से इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, वुंड्स हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम टू टाइम पोजिशनिंग करनी है, वेदर इट इज़ लेफ्ट और राइट, पोजिशनिंग करना मैंडेटरी है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वॉकिंग। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है, या फिर पेशेंट को आपको इतना ज़्यादा मोरल सपोर्ट देना है, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स जनरली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्जाइटी में पहुंच जाते हैं कि हम अब चल नहीं पाएंगे, क्या हम वापस से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ फॉलो कर पाएंगे या नहीं। तो आपको उन्हें बार बार पोक करना है कि हाँ हमें वॉक करनी है, जो भी है, वेदर इट इज़ फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, आपको साथ में उन्हें मोरल सपोर्ट के साथ साथ उन्हें बार बार आपको उन्हें पोक करना है कि हाँ चलना भी है, चलना बहुत ज़रूरी है, एंड कामली सेफली एंड प्रोटेक्टिव तरीके से आपको उन्हें होल्ड करना है, ग्रैब करना है, एंड सपोर्ट के साथ उन्हें वॉक कराना है। आई नो पेशेंट्स को बहुत जल्दी होती है कि हाँ वो जल्दी से चल पाए, एंड कहीं ना कहीं घर वालों को भी ये होता है कहीं ना कहीं कि वो जल्दी से जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंट को धीरे धीरे वॉक करवाना है। आप क्रचेस दे सकते हो, वॉकर दे सकते हो, लेकिन आपका सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, जो पेशेंट्स क्रिटिकल होते हैं, मतलब जो इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट होते हैं। अगर पेशेंट वेल टू डू है, अपने सपोर्ट से चल पा रहा है, तो दैट इज़ गुड, फिर भी उनके आसपास आपको रहना है, क्योंकि यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, पैर स्लिप हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर वीक, तो आपको हमेशा सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके आसपास रहना है। एंड जो पेशेंट्स को पैसिव वॉक करा रहे हो, उनके साथ भी आपको हमेशा रहना है, अच्छे से उन्हें सपोर्ट करना है, ग्रैब करना है, जिससे उनकी वॉकिंग ईजी हो सके एंड वो अच्छे से चल पाए। क्योंकि एट टाइम्स व्हाट हैपन, अगर पेशेंट के साथ कोई मोरल सपोर्ट के लिए नहीं होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेले गिर ना जाऊँ, मैं अकेले पता नहीं उठ पाऊँगा या उठ पाऊँगी, तो आपको हमेशा उनके साथ रहना है एज अ स्टैंड, एंड उन्हें हमेशा ये बोलना है, उन्हें हमेशा ये एक सपोर्ट देना है कि आप अपनी रिकवरी बहुत जल्दी से कर सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको मूवमेंट्स करनी है, हमेशा बेड पे बैठे नहीं रहना है या लेटे नहीं रहना है। आई होप जो भी मैंने वीडियो में बताया आप सभी को समझ आया हो रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस एंड रिगार्डिंग मेडिसिन ऑल्सो, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइजेस से भी आपकी रिकवरी इम्पॉसिबल है एंड सिर्फ मेडिकेशन से भी रिकवरी इम्पॉसिबल है, तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट के लिए पहले हमें अपना ब्रेन स्टेबल करना है, तो दैट इज़ मेडिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको पहले मेडिसिंस लेनी है एंड हमारे ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो सेल्स हमारे डैमेज हो चुके हैं, हमें उन्हें वापस से, जो डैमेज हो चुके हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग सेल्स हैं हमें उन्हें रिजेनरेट करना है, हमें उन्हें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेडिकेशंस लेनी है, एंड प्रॉपर मेडिकेशंस एंड प्रॉपर एक्सरसाइजेस विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। आई होप वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या आपको किसी भी टाइप की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो डू विजिट श्रेयास, या फिर यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। आप कॉल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।